हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हर्बललाइफ कंपनी का प्रोडक्ट का फॉर्मूला शेक मिक्स की बात करेंगे, जिसका यूज़ आप वजन बढ़ाने में और वजन कमाने में कर सकते हैं, और इसके यूज़ करने से करने का तरीका सही है या कितने टाइम तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं, सब इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हर्बललाइफ फार्मूला 1 न्यूट्रीशेक मिक्स आपको बहुत सी फ्लेवर में मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताई है, लाइफ के ये जो प्रोडक्ट है आपका वेट लॉस और वेट गेन के लिए यूज़ में ले सकते हो, जो आपको बिना कोई साइड इफ़ेक्ट दिए आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। पहले वेट लॉस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका इसका यूज वजन घटाने में कैसे कर सकते हो, उसके बाद हम वेट गेन के बारे में बात करेंगे। हर्बललाइफ न्यूट्रीशेक को आप मील रिप्लेसमेंट के तरह यूज करेंगे, जैसे कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट और रात का जो डिनर के बदले आप इस शेक को ले सकते हैं। 250 ग्राम स्कीम मिल्क में आप 3 स्कूप शेक और 1 स्कूप आप प्रोटीन पाउडर मिला के, अच्छे से मिला के उसका शेक बना के आप ले सकते हैं। कम से कम आपको दिन में 2 बार इसका लेना है, तब जाके आपको 1 महीने में 3 से 5 किलो वजन आपको कम हो सकता है। और इसके बाद हम वेट गेन के बारे में बात करेंगे। अब आप हर्बललाइफ शेक को यूज वजन बढ़ाने में कैसे करोगे, उसके बारे में बात करेंगे। जब आप सुबह उठते हो तो ब्रेकफास्ट कर लेना पहले, उसके बाद ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद ही आपको शेक लेना पड़ता है। वैसे ही आपको शेक बनाना पड़ेगा, जैसे कि पर जो वेट लॉस के लिए आप स्किप मिल्क यूज़ करते थे, पर वजन बढ़ाने के लिए आपको होल फैट मिल्क लेना पड़ेगा। वैसे ही 3 स्कूप आपको न्यूट्रीशेक प्लस 1 स्कूप आपको प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा, उसमें 1 केला ज़रूर मिलाइए। केला आपको वजन बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करेगा। इस सब को मिला के आप अच्छे से मिक्सी में पीस के यूज़ करेंगे। कम से कम आपको दिन में 3 बार इसको लेना पड़ेगा। आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम खाना खा के इस शेक को आपको लेना पड़ेगा, तब जाके वजन आपको 1 महीना में 4 से 5 किलो आपका वजन ज़रूर बढ़ेगा। ऐसे आप एक ही शेक को आप वेट लॉस और वेट गेन में यूज़ कर सकते हो। ये था मेरा आज की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।